नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक समाचार से। 50-50 हजार रुपए ले लो और दुकानें खाली करके यहां से चले जाओ। नई बस्ती के दुकानदारों से ऐसा कहा गया है। और यहां पे आप बैनर भी देखें, पीछे लगाया हुआ है कि मोदी सरकार से गुहार है कि उजाड़ने से पहले आप फंसाएं। तो कल से इन्होंने प्रदर्शन शुरू किया था और इन दुकानदारों ने कहा था कि अगर आप हमें उजाड़ना ही चाहते हैं तो हमें उस स्थान दे सतवारी में, वहां पर दुकानें बना के दें ताकि हम अपना रोजगार शुरू कर सकें। लेकिन शायद सुनवाई नहीं है और आज इसको लेकर वापस से प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको नई बस्ती गांधीनगर से दिखा रहे हैं। यहाँ पर रोड के ऊपर टेंट लगाकर दुकानदार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और आज युवा राजपूत सभा के सदस्य भी यहाँ पर पहुंचे हैं इनके समर्थन में। पीडीपी के कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं, पीडीपी के कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं। तो यहाँ देखे प्रदर्शन कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह सोनू जी भी हैं यहाँ पर। घर बंद करो। अच्छा, इनको एनसी के लेटर है हमारे। बैठो बैठो, क्या हाल है? बैठो बैठो बैठो। अच्छा, आज सोनू जी क्या क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हम इस मार्केट की एसोसिएशन की डिमांड के साथ, इनकी एक बड़ी क्लियर सी डिमांड है, अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी इनकी दुकानें लेना चाहती है, ये दुकान के बदले दुकान मांग रहे हैं, तो परेशानी क्या? धरना क्यों लगाने की नौबत पड़ गई? प्रदर्शन क्यों? क्यों? क्योंकि सरकार इनकी बात को सुनना नहीं चाहती। और ये जम्मू कश्मीर के लोगों को मैं समझता हूँ कि बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं। हम इन लोगों के साथ हैं। एलजी साहब, आपसे अपील है, आप आए, दुकान के बदले दुकान दे। अगर नहीं देंगे, हम सड़कों पर आएंगे, इनके साथ चलेंगे, प्रदर्शन करेंगे। 50-50 हजार रुपए ले लो, खाली कर दो। 50 हजार रुपए में मेरा ख्याल आजकल एक साइकिल नहीं आता। बाथरूम भी आज एक बाथरूम 50 हजार रुपए में नहीं बनता और आप बोलते हो कि एक दुकान बनाएंगे। ये लोग अब ना समझ नहीं रहे हैं। इस बार बोर्ड की चोट भी होगी और आपको बताएंगे। जब जब आप इलेक्शन आती है आप जुमले देते हो। वही एमपी साहब जो इलेक्शन से पहले यहाँ पे आए थे, इन लोगों को आश्वासन देके गए थे कि आपकी दुकानों को बुलडोज नहीं किया जाएगा। आज उन एमपी साहब के पास जब ये लोग गए गुहार लगाई तो ये एमपी साहब बोलते हैं आपने गलती की हमारे पास आके। उन्होंने बोला हमने आपको वोट दिया। वो बोलते हैं वोट तो आपने मोदी साहब को दिया, हमें थोड़ा ना दिया। तो आप मोदी साहब के पास जाइए। अब लोगों को ये सोचना होगा कि आपने जमीनी स्तर पे किस एमएलए को, किस एमपी को वोट देना है, उसी को लाओ जो आप लोगों के दुख तकलीफ में खड़ा हो। आज इन लोगों के साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है, आज इन लोगों के साथ कोई चलने वाला नहीं है। हम जब तक ये लोग ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे हम इनके साथ हैं। ये आतंकदाह तक जाएंगे हम सबसे पहले करेंगे, ये पैदल मार्च करेंगे तो हम सबसे पहले करेंगे, अगर ये अरेस्ट के लिए जाएंगे तो हम सबसे पहले अरेस्ट होंगे। हमारा इनके साथ वादा है, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम इनके साथ जुड़े हुए हैं और इनके साथ बैठेंगे। आप चाहे जो कुछ मर्जी, पीडीपी जो है वो भी समर्थन में आई है इनके और युवा राजपूत सभा के सदस्य भी हैं। हैप्पी जी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। अच्छा, बोंडे जी, हैप्पी जी बोंडे की जगह से कट गया, लेकिन सुनाओ कि अस जम्मू के डोगरे वास्ते हमेशा खड़ोते रहे हैं। युवा राजपूत सभा ने जिथे भी जम्मू के खिलाफ कोई काज होया उथे खड़ोते हैं। अस एक गल तो तुसीं आश्वासन दिंदे हां, अगर इथे इनकी जिनचर दुकाना नवी लाट नहीं हो इनके पर बलडोजर नहीं चलते गया इनके कन्ने खड़ोते थे 24 घंटे पर जिहड़ा साड़ा एक आश्वासन है 24 घंटे इनके कन्ने खड़ोगे। लेकिन एक चीज जरूर आखिए, जम्मू वाले लोगों भी जरूर आखिए बसाखियां लैना सारा छड्डी ओड़ो, क्योंकि लोगों दुए के मुंडे बंदूक आए किन्ने चिर गै चलानी है, अपने पैर खड़ोवे। ये लीडर जो सारे आए बनाए दे लीडर ना,
साढ़े चुने लीडर ये साढ़े काम नहीं आने क्योंकि इनका अपना कोई स्टैंड नहीं है। अज एलजी की सारी पावर दी गई है, क्या बीजेपी का अपना स्टैंड है कोई? अज बीजेपी का अपना कोई स्टैंड नहीं है। ये लीडर बोले ने, एक भी लीडर नहीं बोलिया कि साड़ा जड़िया पावर है ना कल की साढ़े चपरासी की भी कोई बदली करवानी हो ना, वह भी एल जी को जाना तो एल जी साहब कोई गल नहीं सुनते हैं। देखो जिन्हें चिर अस इतने बैठे दे इतने बलडोजर लगा चलते युवा राजपूत सभा इनके कहने खड़ोती दी है जा तो फिर आर पार की लड़ाई होग। एक बार फिर बम्बा बोले बनना चाहते चरम बनाना चाहते ने। एक गल सुनाई सारे को दोहरा काम है नहीं है, पहले बलडोजर भेजना फिर आनी बंद कराना। अगर कोई प्यो का पुत्र दम है अं सुनाइए बलडोजर लाओ जा अस नहीं तो जम बलडोजर लाने वाले नहीं है। एक गल सुनाई ने क्लीयर अंक दुकाना दो दुकाना तोड़ो लेकिन ये काम नहीं चलना भाई। पहले डिपका कहने सैटिंग करिए इतने बलडोजर भेजने फिर लोगों को आखना बलडोजर बंद करो अं बोर्ड जो तुम्हें दुकाना दो के ना दुकान का बदला दुकान नहीं दे। जड़े लोग कोई मोची का काम करा दा कोई पेंचर का काम करा दा कोई गुडिया बेचा दा ये कोई करोड़ रुपए का काम नहीं करा दे फ्रूट का काम करा दे दुकाना बंद हो दया ये काम नहीं चलना ये काम नहीं चलना महाराज। ये केड़ा काम ये बीजेपी वाले करा दे। मैं तो एक गल सुना दा कसूर कदम ना कुदा बीजेपी का है तुम मनो या नहीं मनो मी को तुम सुनाओ। अगर सारी पावर एल जी दे दें क्या बीजेपी वाले लोगों की पावर नहीं करा दी साढ़े लोगों की गल कुने करनी है उन्हें जम्मू की गल करनी है। मैं वो पूछना चाहना क्या जम्मू का कोई एडवाइजर पढ़े लिखा बंदा नहीं है वो जरा जम्मू के गरीबे की गल सुन सकता ये तो बड़ा बदकिस्मती साड़ी कोई नहीं है कि अज अस जू पी पी आर वाले को बदतर हो चुके हैं साड़ी गल सुनने का कोई नहीं है। मैं एल जी साहब ये पूछना चाहना एल जी साहब पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के बिच जम्मू के लोग जम्मू की डोगरी सुनने वाला बंदा क्यों नहीं है? उन्हें इन गरीबे लोगों की गल सुननी है कौन करनी है? मैं एको गल करना चाहना दोहरी गल नहीं करनी बलडोजर भेजिए बलडोजर बंद नहीं करा रहे बलडोजर अग लाइए फूकड़ के जैसे बलडोजर से आगे यू है राजपूत सभा शाना बशाना अंदर लोगों ने खड़ोती दी है बस। ये साफ तौर पर यहाँ पर देखे कह रहे हैं बलडोजर भेजकर अगर बलडोजर भेजकर फिर वापस बलडोजर भेजकर अगर वापस वहां से हार पहनाकर रुकवाकर ये सब राजनीति कर यहाँ से लोगों से वोट बैंक लेने हैं वोट लेने हैं तो वो सब नहीं चलेगा। और स्थितियां यहाँ पर देखें कल से ये प्रदर्शन चल रहा है और आज भी ये प्रदर्शन थोड़ा सा उग्र हो रहा है। इसमें राजनीतिक पार्टियां जैसे राजपूत सभा ये भी अब से धीरे धीरे साथ आने लगे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इन लोगों को दुकानें मिलती हैं, पहले इनको दुकानें बनाकर दी जाती हैं उसके बाद तोड़ी जाती हैं या पहले ही ये तोड़ फोड़ जो है वो कर दी जाएगी। तो सामने देखें यहाँ पे इस समय तारकोल भी डाली जा रही है मशीनें लगाई गई हैं तो देखने वाली बात होगी लेकिन इस पर आप राय भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।